तो दोस्तों ये है एक नॉर्मल सी आरसी कार और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसके साथ कुछ धमाकेदार करते हैं, मतलब एक थोड़ा क्रेजी, बारिश आ गई यार तो ठीक है, तो इसके साथ थोड़ा क्रेजी करते हैं, यानी कि इसके साथ थोड़ा फन करते हैं। तो ये है एक नॉर्मल सी आरसी कार जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है, बट आज हम इसके साथ थोड़ा अलग करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसके व्हील्स में लगाएंगे ब्लेड, यानी कि जो सॉ ब्लेड आते हैं ना कटर मशीन वाले राउंड वाले वो, तो उससे पहले हम इसको ऐसे ही चलाएंगे और यहाँ पर कुछ थोड़ा ऊंचा जैसा क्षेत्र है तो सबसे पहले तो यहाँ चलाएंगे, देखते हैं कि ये जो कार है ये किस तरीके से चलता है और फिर इसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपना ब्लेड और फिर देखेंगे कि ये किस तरीके से चलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो कार है वो तैयार है, हम इसको ऑन कर लिया है और हमारा जो रिमोट है वो भी ऑन हो चुका है और अभी हम इसको चढ़ाएंगे यहाँ पर, तो चलो इसको चढ़ाते हैं। बट यार एक सीन हो रहा है मेरे साथ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ इसका रिवर्स बटन में दबा दे रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या कि ये जितना जा रहा है उतना पीछे भी आ जा रहा है। तो कोई नहीं, ऐसा ट्रायल करते हैं, शायद ये चल जाए, ये अच्छी बात जाना चाहिए। जा जा भाई जा 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 यार, ओके कोई बात नहीं, अब की बार हम इसको यहाँ से ट्राई लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अब की बार मैं चढ़ा लिया उसको और ये हो चुका है कंप्लीट। ओ ये नीचे आ गया, तो जल्दी चढ़ा दे इसको। दोस्तों बहुत ट्राई किया और इसको मैं ऊपर पहुंचा के भी नीचे ला दिया, मतलब पूरा ऊपर तक जा चुका था लेकिन वापस आ गया, तो यही था, इस तरीके से चला। तो चलो इसको अपग्रेड करते हैं, इसमें लगाते हैं ब्लेड और फिर देखते हैं कि ये चढ़ पाता है या फिर नहीं, तो चलो लगा लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी देर के बाद हमारा जो कार है वो एकदम तैयार है और आप देखो इसके जो ब्लेड से कितने खतरनाक लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कार हो चुका है हमारा तैयार, अभी बारी आती है इसको ट्रायल करने का, तो चलो ट्रायल कर ही लेते हैं और देखते हैं कि ये जो तरीका है हमारा, ये जो आइडिया है, ये काम करता है या फिर नहीं। और हम जो करने वाले वो सेम है, हम चढ़ाएंगे यहाँ पर और देखते हैं इस ब्लेड के साथ में ये चढ़ता है या नहीं। वैसे देखना दोस्तों आप कमेंट में बताओ ये जो गाड़ी है कैसी लग रही है, मुझे तो एकदम डेडली लग रही है, मतलब एकदम खतरनाक। तो चलो इसको ट्राई लेते हैं और ये चलता है कि नहीं, ठीक है। तो हम रखेंगे इसको यहाँ पर और अभी इसको ऑन करता हूँ, मैं ऑन नहीं किया था, तो ये तैयार है पूरा ऑन होकर, तो चलो अभी इसको चलाते हैं। और ये गया, मेरे को लग नहीं रहा चल पाएगा क्योंकि ब्लेड बहुत ज़्यादा भारी है, कोई बात नहीं फिर से ट्राई लेते हैं। और सच में ये भारी होने की वजह से जो हमारा गाड़ी है चढ़ नहीं पा रहा है, बट स्टिल हम इसको यहाँ नहीं चलाएंगे, इधर कहीं चलाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये फील देता है, यानी किस तरीके से, तो ऊपर तो नहीं चल पा रहा है, चलो इधर चलाते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी और अभी चल रहा है और नीचे का देख सकते हैं, ये नीचे अच्छे तरीके से चल रहा है, ब्रेड है ना, इसकी जो ब्रेड्स है, इसकी जो ब्रेड्स है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं चल पा रहे, बट नीचे आते थे बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से चल रहा है, मतलब मैं इसको नीचे एकदम अच्छे तरीके से चला। यही है कुछ इस तरीके से चल रहा है और हमने सोचा था कि ये ऊपर चढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे ही रह गया, बट फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से मज़ेदार वीडियोज़ बना दे रहे हैं।